हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए, एक हमारे व्यूअर हैं सुमित जी, जिनका ये कहना है कि दो डेट्स के बीच में इनको वैलिडेशन लगाना है, तो वो लगा नहीं पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है। हालांकि मेरी वीडियोस भी उन्होंने देखी, लेकिन उन्होंने कमेंट में बताया कि दो डेट्स के बीच में उनको वैलिडेशन लगाना है और उसकी कोई वीडियो इनको नहीं मिल रही है। तो चलिए ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में दो डेट्स के बीच में वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डेटा हमारे पास अप्रैल का है, कुछ मई का, ऐसे अलग अलग ईयर्स का डेटा है। यहाँ पे देख सकते हैं 2020 का डेटा है, 18 का डेटा है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है, 18 19 का भी कुछ डेटा पड़ा हुआ है इसमें। तो अब हम पहले क्या करते हैं, इसकी क्वेरी बना लेते हैं। तो क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, कैसे करेंगे इसको वो बता रहा हूं, ठीक है, और यहां से ऐड करवा लेंगे इसको। अब इन सबको मैं एक एक करके डबल क्लिक करके यहां लेके आता हूं। तो पहला डेटा, ये दूसरा फील्ड हो गया हमारा, और ये तीसरा फील्ड हो गया, तीनों फील्ड हो गए हमारे पास। हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहां से मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, स्टूडेंट आईडी के हिसाब से शॉर्ट करूं या स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के हिसाब से शॉर्ट कर लेता हूं मैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, वैलिडेशन लगा रहा हूं। वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, देखिए दो डेट्स के बीच का इनको वैलिडेशन चाहिए, तो वो कैसे लगाएंगे, चलिए ये समझते हैं। यहां पे लिखना होगा आपको बिटवीन, क्या लिखेंगे, बिटवीन लिखा हमने, और बिटवीन लिखने के बाद वो डेट लिखेंगे। जैसे मैं यहां पे डेट लिखता हूं एक, मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं 1 मई, ठीक है, और 2018 कर देंगे, ठीक है, और यहां पे लिख देंगे 2018, क्या लिखेंगे 2018, या सिर्फ 18 लिख देंगे तो भी हो जाएगा हमको, क्योंकि इसमें हमें पता है कि 18 वाला डेटा भी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। तो 1 मई 2018 से लेकर, ठीक है, कब तक का डेटा चाहिए हमें, मैं आप लिखता हूं एंड, थोड़ा गैप देखे एंड, अब यहां पर मैं करता हूं 2 अप्रैल, APR, ठीक है, मैंने क्या लिखा 2 अप्रैल लिखा, तो इसमें भी हाइफन दे देंगे यहां पे, 2020, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसको यहां से रन पे क्लिक करेंगे, हम रन पे क्लिक किया तो यहां पे देख सकते हैं आप कि उन्हीं के बीच की डेट से आई हुई है, 18 19, जो भी है, जो भी हमने डेट दिया था उसके बीच की ये डेट है, देखिए 4 जून 2018 19 और 20, यही डेट्स आई हुई हैं। चलिए एक दूसरी भी क्वेरी बनाते हैं इसकी, क्रिएट पर चलते हैं क्वेरी, अब एक दूसरी क्वेरी बना के दिखाता हूं। चलिए इसको ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, स्टूडेंट नेम ले लेते हैं, और एट लास्ट ये भी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर वो चीजें मैं लगा करके दिखाता हूं, चलिए यहां पर लगाता हूं, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बिटवीन, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, बिटवीन, ठीक है, चूंकि दो डेट्स के बीच में आपको वैलिडेशन लगाना है तो बिटवीन तो लिखना ही पड़ेगा, तो यहां पे बिटवीन लिखना है आपको। चलिए लिखते हैं यहां बिटवीन, बिटवीन, ठीक है। अब यहां पे वो डेट, जो डेट आपको लगानी है वो डेट जरूर लिखिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं 1, अब जनवरी लिखता हूं, ठीक है, 1 जनवरी लिख दिया हमने, अच्छा ये 1 और जनवरी के बीच में एक हाइफन जरूर दे दीजिए। पूरा डेट भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूं, तो 1 जनवरी लिखा हमने और 1 जनवरी हाइफन दिया। अब मैं क्या करता हूं, 1 जनवरी 2018 से लेकर, अब मैं क्या करूंगा एंड, एंड लगाया हमने, और यहां पर 20 मार्च कर देता हूं, ठीक है, क्या करता हूं 20 मार्च, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 20 मार्च किया मैंने, और यहां पे कर दूंगा 2018। तो अगर कोई डेट की एंट्री इसके बीच में होगी, अच्छा एक्सेस क्या करता है, हैश साइन अपने आप इंसर्ट कर देता है, जब हम इसको यहां पे देखिए, यहां पे इधर मैंने क्लिक किया, ये देखिए हैश साइन अपने आप ही इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको रन करवा लेते हैं, यहां से रन करवाया हमने। अब देखिए इसके बीच में कोई हमने लिया ही नहीं, कोई डेट मेंशन ही नहीं करा, तो आएगा ही नहीं, ठीक है, अगर इसके बीच में कोई डेट होती तो ये जरूर दे देता। अब एक तीसरी क्वेरी बना लेते हैं हम, ठीक है, यहां से तीसरी क्वेरी बनाते हैं, ये ले लिया हमने, इस बार सिर्फ स्टूडेंट आईडी और एडमिशन डेट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर वो चीज लगाएंगे, तो वैलिडेशन फिर वही बिटवीन, चूंकि यही टॉपिक है हमारा, तो बिटवीन, अब यहां पे क्या करता हूं 1/6/2018 एंड
19/6/2019 ये कर दिया हमने, ठीक है। 1/6/2018 से 19/6/2019 के बीच में जो भी आई हो, अब देखिए यहां पे जैसे ही करेंगे तो ये हैश साइन अपने आप लगा देगा, ठीक है। इसको थोड़ा चौड़ा करके, इसका विड्थ बढ़ा करके मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये अपने आप कन्वर्ट हो गया। अब यहां से इस पर क्लिक कीजिए, तो ये देखिए वो डेट्स आ रही हैं, जो डेट्स हमने वहां पे जैसे जिस हिसाब से वैलिडेशन दिया था उस हिसाब से ये डेट्स आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीन क्वेरीज से जो मैंने बना करके दिखाया आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आप खासतौर पर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।